ऑल राइट स्टूडेंट्स तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और वाटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटेड टू द एसिड बेस नेचर ऑफ वाटर ठीक है अच्छा अब देखो एसिड बेस ऑफ एसिड बेस नेचर ऑफ वाटर से हम लोगों का क्या मतलब है जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि वाटर जो है उसके अंदर एक सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है और एच टू ओ जो है वो थोड़ा मोड़ा डिसोसिएट करके बना लेता है एच प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस ठीक है तो ये हमने देखा था पानी में एक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है और हमने इनकी मोलैरिटीज के बारे में भी बात किया था ठीक है नाउ अगर आप याद करो आरिनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस तो आरहीनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस में हमने बोला था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने पर एच प्लस दे वो एसिड है और जो वाटर में डिजोल्व होने पर ओ एच माइनस दे वो बेस है अकॉर्डिंग टू द आर्नियस एसिड बेस थ्योरी तो अगर हम वाटर के ऊपर एसिड बेस थ्योरी आरहीनियस वाली अप्लाई करें तो वहां से हमें यह बात समझ में आ रही है कि देखो पानी खुद से आयनाइज होकर एच प्लस बना रहा है तो ये जो एच प्लस बना वो भी पानी में ही बना और ये जो ओ एच माइनस बना वो भी पानी में बना तो पानी तो बेसिकली एक तरह से खुद अगर देखो तो वो वॉटर में ही एच प्लस भी फॉर्म कर रहा है और वो ओ एच माइनस भी फॉर्म कर रहा है तो आरहीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वी कैन से दैट वॉटर इज एन आर्नियस एसिड ए ए का मतलब यहां पर हो गया आर्नियस एसिड एज वेल एज आरहीनियस बेस ए बी का मतलब यहां पर हो गया आरहीनियस बेस तो आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वॉटर ने एच प्लस भी पानी में दिया और ओ एच माइनस भी पानी में दिया तो एच प्लस और ओ एच माइनस दोनों दे रहा है सो इट इज एन आरहीनियस एसिड एज वेल एज एज एन आरहीनियस बेस हम दोनों ही इसको कह सकते हैं एसिड और बेस बोथ ऑफ दम राइट तो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द आर्नियस थ्योरी नाउ अब हमने ये भी बात सीखी थी कि इसी सेम इक्वेशन को इसी सेम सेल्फ आयनाइजेशन के प्रोसेस को हम एक दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये जो एच प्लस है ये पानी में एच प्लस के फॉर्म में नहीं रहता है ये रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन दैट इज एच प्लस फॉर्म कर लेता है राइट तो उसी इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें दैट इज एच टू ओ प्लस एच टू ओ goes to H3O plus aqueous plus OH minus aqueous ठीक है इक्वेशन वही है बस वो जो H प्लस है H प्लस ये जो बना ये फिर से एक पानी के साथ रिएक्ट करके इसने एच थ्री ओ प्लस बना दिया राइट नाउ अब अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो यहां पे जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब पानी में ही एक मॉलिक्यूल ने H प्लस ट्रांसफर कर दिया दूसरे मॉलिक्यूल को ठीक है तो अपने आप एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई राइट अब जरा तुम याद करो ब्रॉन्टेड एसिड बेस एसिड एसिड बेस तो बेस थ्योरी तो थ्योरी क्या थी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग एच प्लस डोनर वॉज एन एसिड एंड एच प्लस एक्सेप्टर वॉज अ बेस तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि पानी का ही एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल को एच प्लस ट्रांसफर कर दे रहा है तो एक मॉलिक्यूल जिसने एच प्लस एक्सेप्ट किया वो एच थ्रीओ प्लस बन गया दूसरा मॉलिक्यूल जिसने एच प्लस डोनेट किया वो ओ एच माइनस में कन्वर्ट हो गया राइट तो अगर हम लोग ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वॉटर इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज अ ब्रॉन्जेड बेस राइट Water is इज अ acid एसिड well वेल bronsted base बेस एंड फाइनली इफ look लुक एट the third theory एंड दैट थर्ड theory was द लुइस एसिड बेस थ्योरी अगर हम लुइस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर को क्लासीफाई करें ठीक है लुइस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वाटर को क्लासीफाई करें तो लुइस एसिड बेस्ड थ्योरी क्या थी भाई लुइस एसिड बेस्ड थ्योरी में हमने ये बात सीखी कि A lone pair acceptor is a Lewis acid, and a lone pair donor is a Lewis base. ठीक है तो lewis थ्योरी के अकॉर्डिंग पानी का एसिड बेस स्ट्रक्चर समझने के लिए हमको थोड़ा सा पानी का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तो I am sure all of you know that ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है राइट और ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर राइट तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ water मॉलिक्यूल नाउ वॉटर मॉलिक्यूल कैन वेरी इजिली डोनेट वन ऑफ दी लोन पेयर दोनों नहीं करेगा क्योंकि दोनों लोन पेयर डोनेट करने के बाद इस ऑक्सीजन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होता है इसका रीजन आप इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और सीखोगे ठीक है बट एक लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है तो वॉटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आइटम के पास दो लोन पेयर हैं उनमें से एक लोन पेयर थ्रू अ कोर्डिनेट बॉन्ड राइट से एक लोन पेयर वो बड़ी आसानी के साथ किसी भी ऐसी स्पीशीज को डोनेट कर सकता है राइट सो अकॉर्डिंग टू द लुइस थ्योरी अकॉर्डिंग टू द लुइस थ्योरी वॉटर वॉटर इज अस बेस लुइस बेस तो है क्योंकि वो लोन पेयर जो ऑक्सीजन पर है वो बड़ी आसानी के साथ उन दो में से किसी एक लोन पेयर को वो डोनेट कर सकता है थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सो इट इज़ अ लुइस बेस राइट व्हाट अबाउट लुइस एसिड लुइस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए लुइस एसिड होने के लिए इट मस्ट बी अ लोन पेयर एक्सेप्टर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके अब मुझे थोड़ा सा ये सोच के बताओ कि पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है तो क्या यहां पर कहीं भी कुछ वेकेंट ऑर्बिटल जैसी चीज है क्या कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि बाहर से कोई दूसरी चीज पानी को अपना लोन पेयर डोनेट कर सके बिल्कुल नहीं क्यों देखो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास ड्यूपलेट से ज्यादा नहीं हो सकता है तो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दो से ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और अगर तुम ऑक्सीजन के पास आ जाओ तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और एक दो तीन चार और पांच और ये छ और सात और ये आठ तो ऑक्सीजन के पास भी आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट तो ना तो ऑक्सीजन के पास खाली जगह है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की ना तो हाइड्रोजन के पास खाली जगह है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की तो बेसिकली इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पर भी देयर आर नो वेकेंट ऑर्बिटल्स कहीं पर भी कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है और इसलिए वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम एनी वेयर आउटसाइड तो वॉटर इज नॉट अ लुएस्ट एसिड ठीक है तो लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज जस्ट अ लुएस बेस तो आरस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज एन एसिड एज वेल एज बेस ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज अ एसिड एज वेल एज बेस बट लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज जस्ट अ लुइस बेस एंड नॉट अ लुइस एसिड क्यों क्योंकि कहीं पर भी वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है राइट सो दिस वॉज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द एसिड बेस नेचर ऑफ वॉटर अगली प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज द कॉन्सनट्रेशन ऑफ वाटर ठीक है अब जैसा कि हमने केमिकल इक्विबियम के चैप्टर में भी सीखा हुआ है कि जो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स होते हैं उनकी कॉन्सनट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है ठीक है तो अब वाटर के केस में हम लोग ये जो कॉन्सटेंट कॉन्सेंट्रेशन है भाई ये कॉन्स्टेंट है बट इसकी कुछ तो वैल्यू होगी उस कॉन्स्टेंट की तो ये कॉन्सनट्रेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं ठीक है थीके? कि प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और कॉन्सनट्रेशन से मेरा मतलब क्या है ट्रेशन से मेरा मतलब है मोलारिटी राइट right? किसी भी चीज की मोलारिटी का क्या मतलब होता है मोल्स प्रेजेंट इन लीटर ठीक है तो अब सपोज करो आप कि मेरे पास, मेरे पास पास से आई हैव वन लीटर ऑफ वॉटर राइट एंड दिस इज प्योर वाटर इसमें कोई भी चीज मिली नहीं है सो आई हैव वन लीटर ऑफ प्योर वॉटर ठीक है अब पानी की डेंसिटी प्योर वाटर जो है उसकी डेंसिटी होती है वन ग्राम पर एम एल ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं ठीक है वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ वन ग्राम पर एम तो अब अगर मेरे पास एक लीटर वाटर है तो सोचो भाई इसका ज़रा मास कितना हो जाएगा आई एम श्योर आप सभी लोग मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एंड डेंसिटी वाला रिलेशन बहुत आसानी के साथ यहां पर यूज़ कर सकते हो ठीक है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है वन लीटर वन लीटर का मतलब हो गया वन थाउजेंड एम एल मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी जो कि है वन ग्राम पर एम एल सो दिस एम एल एंड एम एल गेट्स कैंसल्ड आउट और मेरे पास इसका मास आ गया वन थाउजेंड ग्राम ठीक है तो एक लीटर पानी मैंने माना एक लीटर पानी में मेरे पास वन थाउजेंड ग्राम पानी है नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर एन एच टू मतलब मोल्स ऑफ वाटर तो एक हजार ग्राम पानी में कितने मोल हो जाएंगे भाई वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय गिवन मास बाय मोलर मास मोलर मास पानी का हम लोग जानते हैं बहुत पहले से वो एटीन के बराबर होता है सो दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर नाउ दिस मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वाटर तो अगर हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे दैट इज सी एच टू ओ सी एच टू ओ मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है लेकिन उस कॉन्स्टेंट की कुछ वैल्यू होगी ना तो वो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर ठीक है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच विल बी मोल्स अपॉन वॉल्यूम सो मोल्स हो गए 1000 बाय एंड द वॉल्यूम इज वन लीटर तो इसको आप वन से डिवाइड करोगे एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 55.5 फाइव एम राइट सो दिस इज द मोलरिटी ऑफ वॉटर दैट इज द मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वाटर और ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होगी ऑल राइट सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज द द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और द अल्फा ऑफ वाटर। ठीक है अब सपोज कि हमारे पास प्योर वाटर है एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो हमको यह बात मालूम है कि वाटर के अंदर कुछ सेल्फ आयनाइजेशन का प्रॉपर्टी होता है और वो अपने आप डिसोसिएट कर जाता है इनटू टू एच प्लस एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस ठीक है और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारे पास प्योर वाटर है तो हमको ये बात मालूम है कि इस H प्लस की मोलैरिटी जो है इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ इस H प्लस की मोलारिटी विच विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू वॉट ओ एच माइनस की मोलैरिटी ये होती है टेन रेस टू दावर माइनस सेवन मोलर के बराबर ठीक है ये प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस की मोलैरिटी होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नाउ लेट से वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर की पानी का अल्फा जो है वो कितना है तो अब इस इक्विब्रियम को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एल्फा लिखते हैं जैसा कि हम लोगों ने केमिकल इक्वेबरियम वाले टॉपिक में सीखा हुआ है पहले भी राइट right? तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है ये जीरो ये जीरो इनिशियली हमने इस तरह से लिखा और टी इक्वल्स टू टी इक्विब्रियम पर हमने इसे लिखा सी इन वन माइनस एल्फा यहां पर हमने लिखा सी एल्फा और यहां पर हमने लिखा सी एल्फा राइट नाउ वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ सी एल्फा सी एल्फा का वैल्यू हमें अच्छी तरह मालूम है ठीक है तो सी एल्फा का वैल्यू सी एल्फा का वैल्यू दैट इज एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये हमने पुट कर दिया टेन रेस टू दाइनस सेवन के बराबर ठीक है ये टेन रेस टू दावर माइनस सेवन हो गया और यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं अल्फा का वैल्यू हो गया टेन रेज टू दी दाइनस सेवन बाय सी और सी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था सी का वैल्यू था वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटीन तो एटीन चला गया ऊपर राइट और यहां से सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा एज पॉइंट एट वन पॉइंट देखो वैसे तो ये 18 इंटू टेन की पावर माइनस टेन बनेगा लेकिन उसको जब हम लोग लिखेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में तो वी विल राइट इट एट इट एजन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू दा माइनस नाइन है ना वन पॉइंट एट इन टू टेन रेस टू दा माइनस नाइन सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंड यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ की एक बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है तो जैसा कि मैं बार बार शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूं कि पानी का आनाइजेशन होता तो है अपने आप से बट वो बहुत कम एक्सटेंट तक होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच ऑफ कोर्स इज वेरी स्मॉल राइट अब यहां पर एक दो बातें ध्यान रखने वाली है पहली बात तो यह कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा आपने निकाला है एक बार मैं फिर से उस वैल्यू को लिख देता हूं जो अल्फा आपने निकाला है 1.8 पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू दी पार माइनस नाइन ठीक है ये अल्फा का वैल्यू जो है ये हम ध्यान रखेंगे दिस इज ओनली फॉर प्योर वाटर प्योर वाटर से मेरा क्या मतलब है प्योर वाटर से मेरा मतलब है ऐसा सैंपल जिसमें हमने बाहर से कोई एसिड बेस सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं मिलाया है ना हमने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं मिलाई एकदम ये शुद्ध पानी है सिर्फ पानी है उसमें कुछ एसिड या बेस कुछ भी नहीं मिलाया गया राइट सो दिस इज द एल्फा ऑफ प्योर वाटर या फिर आप इसे न्यूट्रल वाटर भी कह सकते हो क्योंकि जिसमें कुछ नहीं मिलाया गया भाई उसका Uh, जो पी आएगा वो साथ आएगा और वो न्यूट्रल वाटर कहलाएगा ठीक है सो प्योर वाटर और न्यूट्रल वाटर एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली क्योंकि ये 10 की पावर माइनस सेवन और माइनस सेवन ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है ठीक है तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली नाउ पहले हम लोग थोड़ा सा ये कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉट विल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ठीक है तो अगर करो हम लोग है. और जो होते है, वो बेटा एंडोथर्मिक होते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक है तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर दैन जीरो अगर रिएक्शन या अगर ये इक्विब्रियम एक एंडोथर्मिक इक्विब्रियम है तो हीट करने पर गर्म करने पर क्या होगा कि दिस इक्म विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है ये इक्विब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ये मैंने ली चार्टियस प्रिंसिपल में समझाया हुआ है तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले केमिकल इक्विब्रियम के वीडियोज देखो देन यू स्विच टू आइनिक इक्विब्रियम अगर आपको केमिकल इक्विब्रियम नहीं आता है तो नेचुरली आपको आइनिक इक्विबियम में भी प्रॉब्लम होगा ठीक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट करने पर जब आप हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे पानी को गर्म करोगे तो इक्विबरियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विबरियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा भाई और ज्यादा पानी टूटेगा आयनाइज करेगा तो उसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू विल इंक्रीज राइट सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एल्फा का वैल्यू बढ़ जाता है ठीक है नाउ So, ये तो टेंपरेचर की बात हो गई कि टेंपरेचर बढ़ाने पर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज ठीक है नाउ वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन एसिड और अ बेस टू वॉटर उससे एल्फा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा है ना तो हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर जैसे मैं पानी लूं प्योर वाटर है क्योंकि ये जो अल्फा का वैल्यू है दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इज ओनली फॉर प्योर वाटर ओके ये सिर्फ प्योर वाटर का अल्फा है तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि पानी में मैंने बेटा थोड़ा सा एच सी एल मिला दिया तो बताओ उससे इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी इसी तरह सपोज करो मैं तुमसे बोलूं कि मैंने पानी में एन मिला दिया तो एच जब मिलाया तो एच इज़ एन एसिड और एनएएच जब मिलाया तो एन इज अ बेस तो एन मिला दूंगा तो इस एल्फा की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा वॉट इफेक्ट इज इट गोइंग टू हैव ऑन द वैल्यू ऑफ एल्फा तो एसिड या बेस एड करने पर पानी में मिलाने पर पानी के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर क्या फर्क पड़ता है अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाली है ना देखो इसमें जो थोड़े बुद्धू बच्चे होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि सर देखिए आपने अल्फा कैसे निकाला है आपने सी अल्फा इज इक्वल टू टेन की पावर माइनस सेवन करके निकाला है ठीक है ये तो था प्योर वाटर के लिए अब मान लो आपने सर इसमें एच मिला दिया तो एच मिला दिया तो सर एच प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा ठीक क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ जस्ट की फॉलोइंग ईच एंड एवरी थाट ठीक है मैंने बोला कि मैंने पानी में एच मिला दिया तो पानी में मैंने एच मिलाया तो एच प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा और एच प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा तो बच्चे बोलते हैं सर फिर एल्फा का वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाएगा बट अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो दिस इज एब्सल्यूटली रॉन्ग मैंने आपसे यहां पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा आप अगर पानी में एच मिलाओगे एच एक एसिड है और एच एक एसिड है तो वो तो जाके H प्लस जनरेट करेगा तो H प्लस का तो मोलैरिटी बढ़ जाएगा दैट इज फॉर श्योर बट इससे पानी के अल्फा का क्या लेना देना है हम यहां पे H प्लस की मोलैरिटी पे नहीं कमेंट करने जा रहे हैं कि एच प्लस की मोलैरिटी बढ़ी या घटी एच प्लस की मोलैरिटी तो फॉर श्योर sure बढ़ेगी अगर तुम एसिड मिलाओगे और इसी तरह अगर तुम एन मिलाओगे तो ओ एच माइनस की मोलैरिटी फॉर श्योर बढ़ेगी बट आई एम गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ एल्फा एल्फा की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा तो एल्फा की वैल्यू बेटा इंक्रीज नहीं करेगी एल्फा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी अब तुम नेचुरली पूछोगे सर कैसे देखो जरा यहां पर ये एक इक्विबियम है और इस पर सोचो लगाओ याद करो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ली चैटलियर्स प्रिंसिपल।, प्रिंसिपल याद करो क्या था जैसे कि जैसे कि अगर तुम पानी में न्यूट्रल वाटर में प्योर वाटर में ये इक्वेबरियम इस्टेब्लिश्ड है अब तुमने इसमें एच मिलाया तो एच मिलाया तो बेसिकली तुमने क्या मिलाया एच अब अगर तुम बाहर से एच मिलाओगे तो वो बाहर से आने वाले एच का क्या इफेक्ट होगा सोचो बाहर से आने वाला जो एच है वो इस इक्वेबरियम को प्रोडक्ट अगर मिलाओगे तो इक्वेरियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और अगर इक्वीबरियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो उससे द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये जो अल्फा की वैल्यू है ये अब कम हो जाएगी राइट right? तो आप अगर पानी में एसिड या बेस मिलाते हो तो इससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू कम हो जाती है सो दिस अल्फा इज ओनली फॉर प्योर वाटर अगर इसमें आप एनओ मिला दो तो एनओ मिलाओगे प्योर वाटर में एनओ मिलाओगे तो एनओ वहां जाके ओ एच माइनस मिलाएगा तो बेसिकली तुमने ओ एच माइनस मिलाया तो ओ एच माइनस अगर प्रोडक्ट साइड पे ऐड करोगे तो ये इक्विबरियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और अगर ये इक्वीबरियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो उसकी वजह से द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गोइंग टू डिक्रीज सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम पानी में बाहर से एसिड या बेस मिलाएंगे तो वो एसिड या बेस मिलने पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है द वैल्यू ऑफ एल्फा इज डेफिनेटली गोइंग टू वॉट डिक्रीज ओके नाउ इस पर्टिकुलर इफेक्ट का एक नाम भी होता है इसी को हम लोग कॉमन आइन इफेक्ट भी बोलते हैं दैट कॉमन आइन इफेक्ट राइट कॉमन आइन इफेक्ट क्या है कॉमन आइन इफेक्ट यह होता है कॉमन आइन इफेक्ट यह है कि देखो जैसे H2O से H+ बन रहा था अब H2O एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तुमने एसी में HCl मिला दिया नाउ HCl इज अ वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो वो HCl वहां पे जाके खूब सारा H+ बनाएगा और वो वाला H+ जो है वो वाला H, HCl का जो H+ है वो इस इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट करा देगा राइट तो इसी इफेक्ट को हम लोग कॉमन एन इफेक्ट बोलते हैं कॉमन एन इफेक्ट क्या होता है कॉमन एन इफेक्ट ये होता है कि, कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जैसे पानी इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो एक आयन बना रहा है H प्लस उसका डिसोसिएशन पार्शियल हो रहा है और एच सी एल एज नो इज अट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो HCl जो है वो पूरा 100% परसेंट डिसोसिएट करके बनाता है H प्लस एक्वस प्लस योर सी एल माइनस एक्वस ठीक है तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो HCl भी H प्लस बना रहा है और H2O भी H प्लस बना रहा है लेकिन HCl है एक स्ट्रॉ इलेक्ट्रोलाइट एंड एच टू ओ इज इलेक्ट्रोलाइट एच टू ओ इज अक इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो अब होगा ये कि अगर तुम पानी में एच सी एल मिला दोगे तो पानी से जो एच सी एल से एच प्लस आ रहा है वो एच प्लस इस इक्विबिरियम पर एक कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और इस इक्विबरियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा देगा बेसिकली है वो ली चार्ट प्रिंसिपल ही बट जस्ट उसको यहां पे एक नया नाम दे दिया गया कॉमन आयन इफेक्ट राइट एंड व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब यह है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन देखो यहां भी एच प्लस है और यहां भी एच प्लस है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट राइट तो इसी को हम लोग कॉमन आइन इफेक्ट बोलते हैं आई विल रिपीट वंस अगेन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अगर तुम पानी में कोई भी एसिड मिलाते हो एचसीएल एच बी आर एच एन ओ थ्री वट एवर तो वहां पर एच प्लस का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा जिसकी वजह से एल्फा कम हो जाएगा और अगर तुम पानी में एन ए ओ एच के ओ एच आरबी कोई भी बेस मिलाते हो तो वहां पर किसका कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा वहां पर वेरी गुड कॉमन आइन इफेक्ट लगेगा ओ एच माइनस का और उस ओ एच माइनस के कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से भी पानी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा तो फाइनली ले दे के बाद इतनी है कि अगर हम पानी में एसिड या बेस कुछ भी मिलाते हैं तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड कॉमन आयन इफेक्ट इज नथिंग बट you can say a special uh, category of basically le chatelier's principle